हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे टॉप 35 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, सीटेट हो, यूपीएसआई हो या अन्य अदर किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं, हम टोटल 35 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन, देखिए में से कौन सा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण होता। तो कहने का मतलब है कौन सा जो अम्ल है वो अम्लीय वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आपको पता होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2, ये क्या होता है? अम्लीय वर्षा कराने में मददगार होता है। ठीक, बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के CO को। तो ये क्या करता है? ये अंगीठी से निकलता है। ठीक, इससे क्या होता है कि दम घुटने से आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ जो होता है वो किस क्या होता है? ठोस जल होता है या ठोस CO2 होता है या निर्जल बर्फ होता है H, या फिर ठोस H2O2 होता है। तो क्या होता है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, क्या होता है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारी जल एक प्रकार का होता है, तो भारी जल क्या होता है ये आपको बताना है। तो भारी जल शीतलक होता है, मंदक होता है, अयस्क होता है या फिर ईंधन होता है। तो क्या होता है ये भारी जल? क्या होता है? D2O। क्या होता है? मंदक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जब किसी बोतल में जल भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि देखिए जब किसी बोतल को पानी भरे हुए बोतल को जब ज़्यादा ठंड करते हैं तो बोतल क्या होती है? फट जाती है। क्यों फट जाती है? जल जमने से फैलता है, या बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, या जल गर्म होने पर फैलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब जल जमता है तो क्या होता है? फैलने लगता है। ठीक, तो जल जमने पर फैलता है, इस वजह से क्या होता है? जब जल फैलेगा तो बोतल तो फैलेगी नहीं, इसीलिए बोतल में क्या होता है कि वो चटक जाती है या फिर फट जाती है या टूट जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में लवण मिलाने पर होता है क्वेश्चनांक में वृद्धि हो जाती है, या क्वेश्चनांक में कमी आ जाती है, या क्वेश्चनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या हिमांक में वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है कि क्वेश्चनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक, जल में लवण मिलाने से क्या होता है? क्वेश्चनांक में वृद्धि हो जाती है। चलिए अगला है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है तो क्या है? सबसे कम है, या विश्व में अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या सबसे अधिक है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सबसे अधिक है। यहाँ पे हिमालय के जो हिमनद है वो बहुत ही तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक, जो ग्लेशियर का होते हैं जहाँ से पिघल के नदियाँ निकलते हैं, ठीक वही का है, बहुत ही अधिक तेज़ी से पिघल रहे हैं। चलिए अगला है। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? तो आपको बता दें कौन सा है? मृत सागर है। सबसे लवणीय क्या है? मृत सागर। ठीक है, चलिए अगला है। भारी जल प्रयुक्त होता है, भारी जल कहाँ प्रयुक्त होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में, औषध के रूप में, कृषि में, या कीटाणु नाशक के रूप में? तो कहाँ पे होता है भारी जल का प्रयोग? आप देखा होगा कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या आता है। कहाँ क्या आता है? नाभिकीय रिएक्टर में। चलिए अगला है। भारी जल को भारी कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है, यह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, यह शुद्ध होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है, इसलिए इसको भारी जल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारी जल प्राप्त किया जाता, भारी जल किससे प्राप्त किया जाता है? अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से, या जल में भारी लवण घोर कर, या जल के आसवन से, या जल में CA कैल्शियम और मैग्नीशियम की शुद्धि पृथक करके? किस प्रकार से भारी जल प्राप्त किया जाता? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से। ठीक, चलिए अगला है। कठोर जल को मृद बनाने वाले बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जो कठोर जल होता है उसको मीठा जल, मृद जल बनाने के लिए क्या किया जाता है? सोडियम ट्राई पॉलीफार्मेट फॉस्फेट, या फिर क्लोराइड, या फिर फ्लोराइड, या फिर नाइट्रेट तथा नाइट्राइड? ठीक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग किया जाता है कि इसको मृद करने के लिए? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट तापमान को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, तापमान स्थिर, तापमान में कमी, या स्थिरीकरण, दोनों होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए, तापमान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। आपको पता होगा कि जब धुआं हुआ निकलता है उससे क्या होता है? तापमान हमारा ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, तापमान में क्या होती है? हमेशा वृद्धि हो जाती है। चलिए अगला है। कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता है? तो शुद्ध पेयजल की विशेषता क्या होती है? रोगवाहक सूक्ष्म जीवों की उपस्थित, या अस्वच्छ व गंध रहित, या फिर आवश्यक मात्रा में घुली O2, या हानिकारक रसायनों की उपलब्धता? तो क्या होता हमारा? तो आवश्यक मात्रा में घुली O2। ठीक, चलिए अगला है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक
तत्वों में कौन सा है? तो आर्सेनिक तथा फ्लोराइड या अमोनिया या नाइट्रेट तथा नाइट्राइड या क्रोमियम तथा क्लोराइड। तो क्या होता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होता है? आर्सेनिक और फ्लोराइड। ठीक, आर्सेनिक और फ्लोराइड से क्या होता है कि ये जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होते हैं। ठीक, ये तत्व होते हैं ऐसे जल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। ठीक, अगला है, महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो किसका होता है? तो हमें पता होगा क्या होता है कि महासागरों जल किसके कारण खारा होता है। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? NaCl, जिसको हम नमक भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि महासागरों के जल को क्या करता है? खारा करता है। अगला, जल संरक्षण संभव है मृदा अपरदन पर नियंत्रण से, वृक्षारोपण एवं पुनः वनीकरण से, या जल की व्यर्थता को रोकने से, इनमें से सभी से। तो क्या होता है? सबसे, है ना, हम जल संरक्षण सभी तरीके से कर सकते हैं। मृदा अपरदन रोकेंगे उससे भी होगा। ठीक, वृक्षारोपण करेंगे, जल को व्यर्थता से रोकेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक, अगला है, अपने किस गुण के कारण जल का प्रयोग कार, बसों और ट्रकों के रेडिएटरों में किया जाता है? क्यों किया जाता है? यह सर्वव्यापी विलायक है, यह जल्दी ठंडा व गर्म होता है, यह वाष्पीकरण द्वारा ठंडक होता है, या मौसम का प्रभाव मंद करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण द्वारा ठंडक लाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, जल की एक छोटी सी बूंद का निर्माण कई अणु से मिलकर होता है, इससे अणु आपस में किस बल के कारण जुड़े रहते हैं? तो किस बल के कारण जुड़े रहते हैं यह बताना है। गुरुत्वीय बल, केशिकात्व, नाभिकी या अंतर आणविक बल। तो किसके कारण जुड़े रहते हैं? तो केशिकात्व के कारण। ठीक, केशिकात्व के कारण क्या होते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जल में लवणता बढ़ाने से मृदा क्षारिता बढ़ती है, इस बात को बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है? तो इस बात को कैसे समझाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है, किसी जल में नमक की सांद्रता बढ़ाकर किसी पौधे की जड़ में डालना, या किसी जल में नमक की सांद्रता बढ़ाकर कुछ दिन तक जमीन पर डालना और पौधारोपण करना, या नमक युक्त जल जो मिट्टी पर डाला जाता है उसकी प्रयोगशाला की जाँच करना, या उस मिट्टी को बच्चों से चखने के लिए कहना। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? किसी जल में नमक की सांद्रता बढ़ाकर कुछ दिन तक जमीन में डालना और फिर वहां पर क्या कर देना, आपको पौधा रोपण कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे क्या करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस। तो क्या करता हमारा? उत्तल लेंस। जिस प्रकार से उत्तल लेंस काम करता है उसी प्रकार से जल में हवा का बुलबुला करता है। चलिए अगला है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, या दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, या दाब अधिक होने पर गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 21 का बी। क्या होता है कि गलनांक बढ़ जाता है। ठीक, अब गलनांक बढ़ जाता है जिससे क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, चलिए अगला है, 15 डिग्री सेल्सियस पर जल में भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाते हैं, यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल का कार्क यानी ढक्कन खोल दिया जाए तो क्या होगा? जम जाएगा, जल उबलने लगेगा, कुछ नहीं होगा, या तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा? तो हमारा 22 का बी ऑप्शन होगा, क्या होगा? उबलने लगेगा। चलिए अगला देखते हैं कि वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? तो किस कारण से वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, एकदम गोलाकार ले लेती है। ठीक, गोलाकार हो जाती हैं। चलिए अगला है, पिछले 100 वर्षों में विश्व का समुद्री स्तर लगभग कितना बढ़ गया है? तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला है, जब बर्फीला जल किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल कण दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इसका कारण क्या होता है? देखिए, जब हम कोई गिलास में पानी डालते हैं ठंडा, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसके अगल बगल का होता है कि उसकी बर्फ की बूंदें दिखाई, सॉरी, पानी की बूंदें दिखाई देती, वो क्या होता है? द्रवीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है, उन्नयन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें वो क्या होता है आपका? द्रवीकरण। ठीक, तो क्या होता है? वो द्रवीकरण होता है। ठीक, तो उस जो बाहरी वाल पे जो सतह पे दिखाई देती है वो द्रवीकरण होता है। ठीक, अगला, जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल आवश्यक है, ये जल असंख्य पादपों का आवास स्थल है, ये जल धरती की नमी को अवशोषित करता है। तो इसमें से कौन सा कथन क्या है? असत्य है, वो आपको बताना। तो कौन सा? डी, जल धरती की नमी को अवशोषित करता। तो यही हमारा डी ऑप्शन गलत होगा। ठीक, देखिए,
किसी स्थलीय जीवों को जीवित रहने शुद्ध जल चाहिए, ये पता है, अगर अशुद्ध होगा तो क्या होगा, बीमारियां हो जाएंगी। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में जल तो जरूरी है, ठीक, H2O की उपलब्धता क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक, और जल असंख्य पादपों का आवास स्थल है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत से पौधे क्या होता है, जल में रहते हैं। अगला है, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, जो अशुद्ध जल होता है उसमें बड़ी मात्रा में पेयजल प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, तो बता दें आपको निर्जली, ठीक है, तो किसके द्वारा, आसवन द्वारा। ठीक, आसवन के द्वारा हम क्या करते हैं, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27 का बी नंबर। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं क्योंकि जल का घनत्व कम होता है, झील के जल का घनत्व अधिक होता है, या जल बर्फ का घनत्व अधिक होता है, या ये सभी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बर्फ का घनत्व अधिक होता है। ठीक, इसलिए क्या होती है कि झील में जम जाने के बाद भी मछलियां जीवित रह लेती है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प क्या होगा, पहले क्या होता है ये आपको बताना है कि बादल संघनन और बादल वर्षा कैसे बनते हैं। ठीक, तो 29 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए, पहले वाष्पन होता, पानी का वाष्पन होगा, फिर वर्षा होगा, ठीक, फिर संघनन होगा, फिर बादल होगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिए ये सी नंबर गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए पहले वाष्पन होगा, फिर संघनन होगा, फिर बादल बनेंगे, फिर क्या होगा, वर्षा होगा। ठीक, तो हमारा ये ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल चक्र के अनवरत चलने का कारण है क्या होता है, अनवरत चलने का कारण क्या होता है, सूर्य की ऊष्मा का जल से उष्मित करना, या सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, या जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर, ये सभी। ठीक, चलिए अगला है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है, जल संसाधनों का संरक्षण, या जल के प्रयोग का संरक्षण, जल संरक्षण की तकनीक, उचित तकनीक, या फिर ये सभी। तो आपको पता होगा कि इस ये सभी तरीके का होते हैं जल संरक्षण के अभिप्राय होते हैं। चलिए अगला है, जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, जल को छानकर, जल को उबालकर, या जल में क्लोरीन द्वारा, या इन सभी तरीकों से। तो आपको पता होगा कि हम जल को छानकर भी शुद्ध करते हैं, जल को उबालकर भी, और क्लोरीन डालकर भी हम जल को शुद्ध कर लेते हैं, मतलब क्या, इन सभी तरीकों से। अगला है, भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल ब्लूम की उत्पत्ति से जल गंदा तथा हरा एवं दूषित होने लगता है, इसका कारण क्या होता है, किस कारण से ऐसा होता है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका सही कारण क्या हो जाता है, हमारा ए नंबर, जल में अपमार्जक एवं वाली वाहित मल की अधिकता। ठीक, तो यही सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए अगला है, जल प्रदूषण से अभिप्राय है कि, जल प्रदूषण से क्या मतलब होता है, कि जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थ का मिलना, या इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटाना, या तापमान में परिवर्तन, या ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए, मतलब जलाशय में क्या होता है, अनैच्छिक पदार्थों को मिलाना, वही क्या होता है, प्रदूषित कर देता। ठीक, अगला है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जल को बार बार बदलने से फिर से जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका अगर ऑप्शन आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका, तो उसे क्या बोलते हैं, जल से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बार बार बदलना क्या कहलाता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हमें बताएं, वर्षा, जल चक्र, या वाष्पोत्सर्जन, या फिर संघनन। ठीक है, अगर देखिए आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी आपके लिए मस्ट है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। अगर UPSI कर रहे हैं तो UPSI के प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, मूल विधि क्लासें चली हैं, और संपूर्ण हिंदी के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।